एक पंक्ति में मैंने कहा था, एक पंक्ति आई थी अभी मैंने बोली थी, जिसमें एक योद्धा का मैंने नाम लिया था, ब्रिगेडियर उस्मान। हमारी देश की सेना का एक दुर्धर्ष सैनिक, बड़ा अफसर, जिसे बंटवारे के समय जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान आ जाओ, चार गुना सैलरी मिलेगी, मैं सेना का चीफ बना दूंगा। उस ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं भारत मां का बेटा हूं, यही पैदा हुआ और यही इसी मिट्टी में गिर जाना चाहता। उसी परंपरा में एक केवल 90 वर्ष के कालखंड में हूं तो बहुत शहादत दी मेरे मुसलमान भाइयों ने, लेकिन एक मुसलमान योद्धा ऐसा हुआ जिसने हंसते हंसते बिस्मिल के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया और उसका नाम होता है अशफाकुल्ला खान। उसी परंपरा का एक योद्धा, हमने 65 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध हम लड़ने लायक नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं होते थे साहब। बुजुर्ग लोग पुराने लोग जानते हैं केवल 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किए, उसमें से एक परमवीर चक्र जाता है अब्दुल अली। बोलो यार, अब्दुल अली वो महान योद्धा, अमर शहीद अब्दुल हमीद। उसकी एक छोटी सी कथा, छोटी सी घटना उसके युद्ध काल की, उस छोटी सी कविता को मैं यहां भाई के आदेश पर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। धामपुर बहुत छोटा सा गांव, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिले का गांव, जहां का वो रहने वाला, जहां आज भी शायद लाइट या सड़क नहीं, लेकिन उस योद्धा ने पाकिस्तान को पिछले पैर भागने पर मजबूर कर दिया साहब। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां ख्वाजा साहब की दरगाह है। जब दो सैनिकों के मस्तक काट दिए गए, उसके 1 महीने और 10 दिन बाद उस देश का प्रधान हिंदुस्तान आकर दरगाह में जियारत करना चाहता था। विधान है, परंपरा है कि जब किसी देश का प्रधान आता है तो वहां के प्रमुख दीवान को खड़े होना पड़ता है, उसके स्वागत में, उसकी अगवानी में खड़े होना पड़ता है, उसकी दस्तारबंदी करवानी होती। लेकिन तब इस घटना के पश्चात मेरी दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके माथे पर हमारे सैनिकों के मस्तक काटने का दाग लगा है। योद्धाओं को सलाम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है देश के लिए न्योछावर होने वाले, भारत माता के लिए अपना बलिदान देने वाले। काली मां की छाती पर ज्योति की ज्वाला जला दी, मौत ने तालो किया तो जिंदगी की धुन बजा दी है नमन को, प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, प्रलय के सामने मुस्तैद होकर देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी। बहुत छोटी सी कविता केवल 3 खंड में, 10-10 पंक्तियों के 3 खंड निवेदन करता हूं। स्वागत है, मुझे आप हौसला देना कि कविता को पूरी कर सकूं, निवेदन करता हूं जी। हिंद की जय, हिंद की जय, शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, क्या भारतीय का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था। सच कहूं भारतीय का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था, और सच कहूं तो सिंधी के दूध का दिग्पाल था। आज तो उसके रग में आदमियों का रेत था, फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में जब मुठ्ठियां कसने लगी, थाम कर गन हाथ के हौसले ही पस्त थे। अरे 7 पैटर्न
बिल्कुल बिल्कुल ये सब ये खुद रामायण में राम नारद जी का बात करते हैं। वास्तविक जिंदगी में इन्होंने प्रयास पूरा किया है ये पात्र निभाने का। मैंने एक खंड का पाठ किया, एक खंड का पाठ पूरा किया, ऐसा ही छोटा सा दूसरा खंड जी। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पर एक गीदड़ अनवरत होने लगा, चूड़ियां टूटी कहीं पर अपशगुन होने लगा। इस मंच पर भारत माँ की एक लाडली बेटी, हिंदी की बेटी यहाँ पर विराजमान है, उर्दू जुबान से आती है, हिंदी की बेटी है। ये पंक्तियां इस बिटिया को समर्पित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत होने लगा, चूड़ियां टूटी कहीं पर अपशगुन होने लगा, रुद्र घायल कृषिक अब्दुल चेतना खोने लगा। क्या बात, चक्षुओं की लालिमा पर कालीमासी छा गई, चक्षुओं की लालिमा पर कालीमासी छा गई, चक्षुओं की लालिमा पर कालीमासी छा गई। यूं लगा अमित को मां सामने ही आ गई। वाह, याद है मां ने कहा था कैसी होती, 521 शहीद हुए करगिल के युद्ध में, 284 लाल देने वाली धरती का नाम होता है राजस्थान। इसलिए हो सकता है कई लोग यहां पर बैठे हुए इनके परिवार के लोग सरहद पर होंगे, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति न मैं जा सका, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति सरहद पर नहीं, लेकिन जब भी कोई शहीद होता है, जब भी कोई शहादत कश्मीर में होती है, मैं मेरे बच्चों को लेकर, मेरी पत्नी को लेकर किसी ब्लड बैंक में जाता हूं, किसी हॉस्पिटल में जाता हूं और जाकर कहता हूं आज मेरे देश ने फिर कुछ योद्धा खो दिए, 5 शहीद हो गए, 3 शहीद हो गए, हम 5 लोग खड़े हैं, 4 लोग परिवार के खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपना रक्त इस भारत माता के लिए दे दिया, हम कुछ लोगों के लिए उनकी याद में अपना रक्त देना चाहते हैं। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं, शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, आपका भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है और हौसले से युद्ध लड़ना, मां तुम्हारे साथ है। हौसले से युद्ध लड़ना, वाह वाह वाह। सर ये हमारे छात्रों की वो शख्सियत है जिन्होंने अपने संस्कारों से IAS दिया इस देश को, इनके बेटे खुद कलेक्टर हैं, इनमें आपको कोई योगदान नहीं है, आपको योगदान है। टीवी कोचिंग खोली बड़ी है कि IAS हो तो भुतो देख रही है। गजेंद्र को वैसे ही फायदा हो गया, एक माला का एक के साथ एक फ्री भी तो स्कीम में आ गए। ये 4 पंक्तियां मैं वापस पढ़ता हूं, भगवान जितने लोग हैं ना आयो उसी मन स्थिति पहुंचते, उसी मन से उस मां तक अपनी श्रद्धा पहुंचाना। याद है मां ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कर आना नहीं, शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, हौसले से युद्ध लड़ना मां तुम्हारे साथ। एक साथी ने सुझाया जीव को मोड़।
एक साथी ने सुझाया दीप को मोड़े, अभी वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े। अभी वीर बोला, मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर, आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर, मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, और पीठ दिखलाना समर में कायरों का आराम है। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी जमे थे, मातृभूमि भारती का कर्ज मुझ पर शेष है, आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की, रक्त से रोशन करूं रण ज्योति हिंदुस्तान की, ये दुआ मांगी खुदा से, ये दुआ मांगी खुदा से, धीर था रणधीर में और हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में, शेर सी हंकार करके, शेर सी हंकार करके वो हिमालय बन गया और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठक गया। दुश्मनों का काल, अब दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठक गया। ये यूनिवर्सल होता है सर, सिग्नल दिल्ली में कहीं भी वहां पहुंच ही जाते हैं। जी तंजी देव के नागरिक में आदमी बनी और कोई भूत प्रेत भी है गांव में। मैंने तो खंड का पाठ किया, मान की पूछ लिया गुरु जी ने, पूछे मुठाना क्या रो, बोले मैं दंजी के साथ अपना मुठाना का बट रह गया। दो खंड का पाठ मैंने पूरा किया, सदन में जितने लोग बैठे हैं सबने बहुत मुझे मन दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, मैंने जुबान से कहा आपने कान से सुना, लेकिन अब तीसरे खंड का मैं पाठ करना चाहता हूं, जुबान से नहीं करना चाहता, दिल से करना चाहता हूं, और गुजारिश करता हूं दिल से सुन। एक माफी चाहता हूँ मीडिया वाले बंधु से निवेदन है कि एक बार ये फोटो लिए कभी से मिलने के लिए, न्यूज देने के लिए तो बहुत अच्छी लगेगी मालूम के साथ। प्रमोद जी हाँ ठीक है, मीडिया चल रहा है। पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था, पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था, आज शायद काल के वश काल भी मजबूर था, दंदनाता एक और हिंदी के लोग भी बैठे होंगे, सुनिएगा, दंदनाता एक बोला वीर से टकरा गया, आज शायद काल के विशाल भी मजबूर था, दंदनाता एक बोला वीर से टकरा गया, आपकी लपटें उठी आकाश भी थर्रा गया, एक पन्ना जुड़ गया, एक पन्ना एक पन्ना एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का, हमीद ऊंचा कर गया, हमीद हिंदुस्तान का, वाह हमीद ऊंचा कर गया, वाह उपस्थिति में मैं इस कविता का पाठ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अपने देश के बुद्धिजीवी कवियों में भाई सोमदास जी का भी नाम शामिल होता है। मुझे मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, कभी इनको मंच के इधर सुनकर देखना, कभी इनको मंच के इधर सुनकर देखना, आपको अभी मालूम नहीं है कैसा इनके पास कविताओं का संग्रह है, कभी मंच के इधर कोशिश करना इनको सुन सको आप, वीर जब मौन रहते हैं तब भी कविता होती है, ध्यान रखिए। जी दंदना का एक गोला वीर से टकरा गया, आपकी लतें उठी आकाश भी थर्रा गया, एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हम वीर हिंदुस्तान का। ये टीवी चैनल नहीं होते थे,
मेरे गांव में जब कोई योद्धा सरहद पर युद्ध करता था, एक रेडियो एक ट्रांजिस्टर मंदिर या मस्जिद की मुंडेर पर रख दिया जाता था। तमाम लोग शांत और वर्षी भाषण की आवाज को सुनने के लिए, देव के नंदन पांडे की आवाज को सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता था। और तब इस बात का अर्थ हुआ करता था कि उसकी खबर आ गई है। इससे आगे न कुछ पूछा जाता था, न कुछ कहा जाता था। पंक्तियां सुनेगा, रेडियो की घोषणा से शब्द पूरा देश था। रेडियो की घोषणा से थोड़ा सा जो हास परिहास में मेरे मित्र लगे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये अदब की महफिल है, ये कविता की महफिल है। बहुत कम मंच रह गए हैं जहां कविता होती है, बाकी तो हंसी ठट्टों की बात होती है। और चूंकि यहां कविता हो रही है, देश की युवा पीढ़ी जब देशभक्ति की बातों में हंसी ठट्टों में रह जाएगी, तो ये देश फिर 80-80 साल के प्रधानमंत्री भुगतने पर मजबूर हो जाएगा। मास्टर आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं, बाकी आप हंसी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन निवेदन कर रहा हूं, रेडियो की घोषणा से शब्द पूरा देश था। गमजदा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी। वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी, अरे मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर, मां मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, घात किया था तो चट्टान बनकर सह गई, सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां। भगत सिंह को फांसी होनी थी, 10 दिन पहले उनकी मां चली गई जेल में उनसे मिलने के लिए। भगत सिंह ने मां के दर्शन किए और छाती से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। मां ने कहा, बेटा भगत सिंह तुम्हें फांसी का डर सता रहा है, बेटा तुम मौत से डर रहे हो बेटा। भगत सिंह ने कहा, मां मैं फांसी से नहीं डरता, मां मैं मौत से नहीं भय खाता, मां भय मुझे इस बात का है कि अगर मेरी शहादत के बाद तुम्हारी ममता गंगा जमुना बनकर तुम्हारे दोनों नेत्रों से बहने लगी, तो ये देश कहेगा कि भगत सिंह एक कमजोर मां का बेटा था, तुम आंसू मत बहाना। बोल पूरी कविता जिस पंक्ति के ऊपर आकर खड़ी हो जाती, जो पंक्ति शायद मैंने नहीं ली थी, उस भगवती ने मुझे प्रसाद के रूप में दी होगी, मेरी उंगलियों से अतिरिक्त ये पंक्ति मेरी नहीं है, उस भगवती का प्रसाद है। वो प्रसाद लेकर मैं आप तक पहुंचाऊं, आपके दिलों की यात्रा करना चाहता हूं, उस पंक्ति का पाठ करना चाहता हूं, केवल उन लोगों से जो कविता के समझदार श्रोता है, जो हिंदुस्तान के देशभक्त लोग हैं, केवल मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं, बाकी आप खामोश रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, निवेदन करता हूं। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई, घात किया था तो चट्टान बनकर सह गई, सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां, क्या कदम ही कह गई, क्या कदम ही कह गई, पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। और तेरी धन्य है नूर चाचा ने कहा, और वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा, कौन कहता है जहां
चाचा कर गया। कोख तेरी धन्य है मामू, चाचा ने कहा। वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, धामपुर की धूल का भी भार ऊंचा कर गया। धामपुर की धूल का भी भार ऊंचा कर गया। यूं कहो, अंतिम चार पंक्तियां पढ़ो।